नमस्कार दोस्तों, पूनम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गरम मसाला। इसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार है। गरम मसाले तो बहुत तरीके के आते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है और पता नहीं क्या क्या मिला के बना देते हैं। लेकिन ये हम घर का जो मसाला बनाएंगे, इसमें सारी चीज़ें हम अपने आँखों के सामने बनवा कर लाए हैं और इसी तरह आप लेकर आएँ और इसी तरह इस मसाला बनाएंगे। इतना अमेजिंग मसाला बनता है, अगर आप घर में सब्ज़ी बनाएंगे तो बाहर भी दरवाजे की खुशबू जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और किसी भी सब्ज़ी या दाल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए मेजरमेंट के साथ ये हमने गरम मसाला बनाया है। तो इसके लिए हमने ली है ये 20 ग्राम सौंठ है, ये 25 ग्राम दालचीनी और ये तेज़पात का पत्ता है, ये लगभग 10 ग्राम है, ये 3 जायफल है और 25 ग्राम जीरा है, 50 ग्राम काली मिर्च है, 20 ग्राम हरी इलायची, 20 ग्राम फूल चकरी, 25 ग्राम बड़ी इलायची, 25 ग्राम जावित्री और 25 ग्राम ये लौंग। तो इन सब चीज़ों को अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो एक दिन की धूप लगा दें, अगर धूप नहीं आती हो तो किसी कढ़ाई में या किसी उसमें बर्तन में डाल के गैस के ऊपर रख के इसको रोस्ट कर लें। थोड़ी थोड़ी देर समय के लिए रोस्ट करना है, ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करना है। इनको हमने धूप लगा दी थी फ्रेंड्स, सभी मसाले सूख चुके हैं। तो अब हम इसका पीस कर मसाला बनाकर तैयार करेंगे। ये इतने टेस्टी मसाला बनता है, आप इसी मेजरमेंट के साथ अगर अपना गरम मसाला बनाएंगे और इतना मसाला आप बनाकर रख लेंगे तो कम से कम 6 महीने आपका गरम मसाला चलने वाला है। हमारे यहाँ तो ये 6 महीने के लिए हम फ्री हो जाते हैं, एक बार बना लेते हैं। और इसका खर्चा मात्र 250 रुपये लगभग आता है। अगर आप मार्केट से इतना मसाला बना बनाया लेकर आएंगे पिसा हुआ तो कम से कम 500 रुपये का आने वाला है। किसी भी कंपनी का आप लेंगे तो आप इसी तरह मसाला बनाकर तैयार करें। तो हम आपको पीस कर इसको दिखाते हैं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गरम मसाला हमने पीस लिया है, ये बहुत ही आसानी से पिस जाता है। अब हम इसको छान लेते हैं। अब इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े निकलेंगे इनको हम दोबारा पीस लेंगे जार में डाल के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गरम मसाला बनकर तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरी किचन क्या पूरा घर महक रहा है इसके पीसने से। तो आप इस तरह से अगर मसाला पीस के रख लेंगे और घर में अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो सभी लोग पूछेंगे कि किस ब्रांड का मसाला डाला है। तो आप फ्रेंड्स इस एक बार हमारे कहने पर इसी मेजरमेंट के साथ ये गरम मसाला तैयार करें और किसी भी सब्ज़ी में, दाल में, मटन में, चिकन में, जिसमें आप डालना चाहें उसमें डालें। और बस इसकी क्वांटिटी हमें इतनी रखनी है, जैसे सब्ज़ी के हिसाब से बस इतना डाल दीजिए। इतनी अच्छी खुशबू, इतना इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स सब्ज़ी का। तो आप ज़रूर बनाएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस तरह किसी डिब्बे में भर के रख लें और कहीं भी रख दें इसको, कहीं भी। ये नहीं कि इस जगह आप इसे एक डिब्बे में भर के रख लें और कहीं भी रख दें। ये नहीं है कि हमें ठंडी या गर्म जगह पर कहीं भी रखना है तो ये ख़राब होगा, कहीं भी ख़राब नहीं हो सकता। आप किचन में किसी भी जगह भर के रख लें और ये इतना मसाला आपका कम से कम 6 महीने तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।